आज का जो हमारा लाइव है वो कई मुद्दों को लेकर रहेगा। उससे पहले आप लोगों को पता है बिल्कुल, जो सरकार की तरफ से जो एक कर्फ्यू लगा है उससे कई युवा भी प्रभावित हो रहे हैं, और जो युवा राजस्थान की राजधानी क्षेत्र में रह के तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल नमस्कार, प्रणाम सभी को, नमस्ते, राम राम, गुड इवनिंग सभी को, अभिवादन सभी को, नमस्कार। राज्य के तमाम युवा जो राजस्थान की राजधानी क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्रों में रह के तैयारी कर रहे थे, कोरोना जैसी महामारी की, वैश्विक महामारी की वजह से ये वही दौर वापस लौट रहा है जो पिछले साल का था। सभी लोग भयभीत होकर घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग, आप लोगों को पता है, सभी मध्यम वर्ग परिवार से आ रहे हैं या निम्न परिवार से आ रहे हैं। बीएड बीएसटीसी की सुनवाई अभी 20 तारीख को है, लेकिन संभवतः सीजी साहब नहीं बैठ रहे हैं तो हो सकता है आगे भी चली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जय माता दी, राम राम, सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं। चलो, राजस्थान के तमाम युवाओं को जो हम चर्चा करना चाह रहे थे उस मुद्दे पे हम चर्चा करते हैं कि देखो, ये एक महामारी है, हो सकता है इसमें भी अपने को अपॉर्चुनिटी मिले। परीक्षाएं नहीं हो रही है, लेकिन हो सकता है हमें समय मिल जाए। आप लोग काम से लगे हुए थे, लेकिन काम छूट गया है, कईयों का काम रुक गया है, बहुत सारी बातें। तो आप इसको सकारात्मक वे में ले, आप तैयारी करें। कई लोग सीधा जयपुर छोड़ के गांव की तरफ रुक कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप इतना जल्दी फैसला ना ले, तैयारी करें, हो सकता है सकारात्मक परिणाम निकलेगा। अब जो मैं बात कह रहा था आज की, जो, हाँ बिल्कुल, एडिशनल वाले मुद्दे पे भी बोलूंगा। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो जो आज की 2018 की डीबी में सुनवाई हुई थी, रीट शिक्षक भर्ती, उसके बारे में क्या कोर्ट में रहा, किस प्रकार की आज मैटर रहा था, बिल्कुल। दूसरा हम चर्चा करेंगे जो एडिशनल का, जो आप बार बार कमेंट कर रहे हैं उस मुद्दे पे। तीसरा हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस में जो खास तौर से एक्स सर्विसमैन मैटर जो रहा है, जिसकी वजह से कई कैटेगरियों को लॉस हुआ है। बाड़मेर में भी जो युवा प्रभावित हुए हैं उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल, 2018 की एलडीसी भर्ती और 2018 की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, इन पे भी चर्चा करेंगे। पंचायती राज एलडीसी 2013, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आइडिया नहीं, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें लगे हैं दोस्तों, इन चीजों पे चर्चा करेंगे। तो पहले, सबसे पहले, तब तक युवा जुड़ रहे हैं राजस्थान के, उन तक आप आवाज भी पहुंचाएं, जिन भर्तियों के आप जुड़े हैं, जो युवा है, चाहे राजस्थान पुलिस के जुड़े हैं, चाहे राजस्थान पुलिस के अलावा रीट भर्ती के। 2021 रीट भर्ती का हम चर्चा करेंगे कि 20 तारीख को कोर्ट की सुनवाई है, उसमें किस प्रकार की बातें होगी। तो बिल्कुल सूचना सहायक भर्ती के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा दोस्त। काफी बार मैं बोला हूं इस बारे में, कोशिश भी की है, लेकिन इसमें क्या पॉजिटिव वे निकल रहा है, उस चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तब तक राजस्थान के युवा जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, त्याग पत्रित 2018 एलडीसी के जो मैटर है, यह मैटर एक छोटा मैटर नहीं है दोस्तों। राजस्थान का एक डीओपी का सर्कुलर है, वो सर्कुलर ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए अगर नियुक्ति ले लेता है तो वो पद भरा हुआ माना जाता है, और उस खाली पद को आगे आने वाली वैकेंसी में ऐड किया जाता है, वो पद लैप्स माना जाता है। उन प्रकार के कई प्रकार की भर्तियों में ऐसा हुआ है, और इसके संदर्भ में 2018 के वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के काफी युवा प्रभावित है। ऐसा ही एक मैटर हाई कोर्ट जबलपुर, सॉरी, मध्य प्रदेश के मामले में युवाओं के हक में फैसला दिया गया है, तो ये केस हमारा भी बन सकता है। इसके संदर्भ में हमने चर्चा भी की है एडवोकेट साहब से, इनसे। तो अगर आप कोशिश करेंगे, आप आएंगे, तो मैं प्रमुखता से इस बात को रखने की कोशिश करूंगा। और दूसरी तरफ से आपकी टीम प्रेशर बना रही है, हमारी टीम के ही मेंबर हैं राधे जी, वो भी प्रेशर बना रहे हैं, तो वो एक अलग मैटर है। हमें
विधिक रूप से भी इस मैटर को समझना बहुत जरूरी है। चलो हम चर्चा करने शुरू करते हैं एक एक भर्तियों पे। सबसे पहले रीट 2021 भर्ती। सभी युवा आज की तैयारी कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि क्या एग्जाम समय पे होगा। देखो कल भी मैं बोल चुका हूं दोस्तों और आज भी बोल रहा हूं, सरकार या मेरे या आपके बस में ये कोविड जैसी महामारी नहीं है। कोविड जैसी अगर परिस्थितियां नहीं होती है तो एग्जाम समय पे होगा। फिर कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये फोरम रीओपन होंगे या नहीं होंगे। तो फोरम तो दोस्तों आप लोगों को पता है परिपत्र जारी हो चुका है ईडब्ल्यूएस को जो फायदा देना है उस मैटर को लेके। अब जो फोरम ओपन होने वाली बात है वो अप्रैल मंथ का बोला था, हो सकता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। तो इस मैटर में फॉर्म जल्दी रीओपन हो जाएंगे, फॉर्म भी भरवा लिए जाएंगे, आप तैयारी करें और एग्जाम डेट समय पे ही मान के तैयारी करें। एक कोविड को लेके आप इस बात को ना घबराए, हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार किस अन्य प्रकार से भी विचार कर ले कि इस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। जो स्टूडेंट्स है उनकी जो जैसे आरएस का जो एग्जाम हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है 2018 का, उसमें क्या किया गया आप लोगों को पता होगा कि स्टूडेंट की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है, वो इंटरव्यू बैठ रहा है। तो इस प्रकार की आपके साथ भी ऐसे कंडक्ट करवा लिया जाए, सरकार अगर इसमें प्राथमिकता दिखाए तो कई बातें हैं। और देखो दोस्तों तैयारी आपको करनी पड़ेगी, तैयारी करोगे तो भी बात बनेगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तारीख को जो सुनवाई है वो क्या, उस सुनवाई में क्या होगा, ये सवाल भी बहुत सारे युवाओं के मन में जा रहा है। दोस्तों सीजे की बेच में हमारा जो मामला देखा जा रहा है अभी तक चीफ जस्टिस की जो बेंच में, अभी चीफ जस्टिस साहब 20 तारीख को जोधपुर नहीं होंगे। हो सकता है वीसी के माध्यम से वो सुनवाई कर ले, अलग बात है, लेकिन जहां तक हमें हमारे एडवोकेट की टीम से ने सोर्स से हमें पता चला है कि वो जोधपुर में नहीं है 20 को। तो और अन्य आगे की जो प्रक्रिया होगी वो मैं आप लोगों को साझा करता रहूंगा और मैं खुद कोशिश करूंगा वहां पे पहुंचने की, आपके साथ सारी बातें रखने की कोशिश करूंगा। अब जो बात है 2018 की जो भर्ती थी रेट की, बिल्कुल इंग्लिश एसएलपी के 2016 के जितने भी युवा साथी हैं मैं बोलूंगा इस मैटर पे, अभी भी अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं इस मोबाइल पे आपको दिखा सकता हूं कि मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के वहां पे मैसेज भी डाला है इस बात के लेके, मैंने कॉल भी किया है। तो लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो इस लाइव के माध्यम से साझा नहीं की जा सकती दोस्तों, हर चीजें होती है क्योंकि हर प्लान के साथ काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आउट हो जाती है तो कई लोग जिनको शिक्षा मंत्री जी शिक्षा विभाग के मैटर में वो नहीं चाहते कि उनके पास भी बात जाए। आपका कार्य आप चिंता ना करें, इस प्रकार से हम करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो बात मैं आपको साझा कर दूंगा। सबसे पहले आप पेज पे या ट्विटर पे बने रहें दोस्तों। हाँ आज तो सुनवाई थी 2018 की भर्ती को लेके, जितने भी युवा साथी हैं इसको हर ग्रुपों तक ये बात पहुंचाई, राजस्थान के यूथ को स्पेशल मैसेज मैं डाल रहा हूं। डीबी में आज चैलेंज किया गया था सरकार की तरफ से, आप लोगों को पता है जो कुलदीप कुमार वाला जो केस था उस मैटर को लेके, थर्ड पार्टी की तरफ से मनोज जी भंडारी भी उतरे थे और गवर्नमेंट की तरफ से डब्ल्यूएजी मनीष व्यास जी थे, और जो जिन लोगों का जो केस था जो रिशफल चाह रहे हैं युवा साथी उनकी तरफ से जी आर पूनिया इसमें बहस किए। जी आर पूनिया जी ने जब बात रखनी शुरू की तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो केस है ये नॉन मेंटेबल है और इस केस को डीबी में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। इस बात में जज साहब भी एग्री दिखे और उन्होंने एक बात और भी कही थी कि ये जो केस है 2018 का, इसमें कोई भी जज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 215 और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 अपने फैसले में अपने फैसले की और जो ऑर्डर कर रखा है उसकी व्याख्या कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। अगर उसकी उसके जो फैसले में कोई भी सही तरीके से उस फैसले का मिसयूज हो रहा है तो उस फैसले को परिवर्तन कर सकता है, उसकी व्याख्या रूप में उसका परिवर्तन कर सकता है, उसको उसको स्पष्टीकरण कर सकता है, उसको राइट है इस चीज का, इसका अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उसने स्पष्ट तौर से उनका जो खास तौर से जो था क्या नाम है ऑर्डर था उसको बारे में भी उसकी व्याख्या भी की और उन्होंने उसका बात भी रखी। इस पे जज साहब सहमत दिखे
और जब कोई बात नहीं बनी तो भंडारी जी ने और सरकारी जो वकील थे उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात का नॉलेज नहीं था, इस बात की हमें पूर्णतः हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने डेट मांगी सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से इस संदर्भ में डेट मांगी गई है और आगे की डेट आप लोगों को पता है, मई की, मैंने आज ट्वीट कर दिया था, मई में इस पे सुनवाई होनी है। और जो मेन बात ये थी कि क्या ये याचिका खारिज हो जाएगी, दोस्तों ये याचिका जो डीबी में थी इससे किसी का लाभ, कई लोगों को ये लगता है कि हम बाहर हो जाएंगे, हमें नुकसान हो जाएगा, मेरे दोस्तों आप लोगों को किसी को भी नुकसान नहीं होने दूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था आप मेरे पास आए, कई लोग मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे इस मैटर को लेके कि कब नियुक्तियां होंगी, हमारा सिलेक्शन हो चुका है। दोस्तों समय जरूर लग रहा है, आप संविधान को मानने वाले हो, आप इस बात को समझने वाले हो, आप, मैं स्पष्ट तौर से मूल्यों की और सिद्धांतों की बात करता हूं, उसके अनुसार ही मैं आपको बात बता रहा हूं। कुछ बातें हैं मेरे पास कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति बाहर नहीं होंगे अगर आप सही राह में चलेंगे, और जो व्यक्ति आपको गुमराह कर रहे हैं, जो कई बार कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इस प्रकार होना नहीं। स्टे मांगा गया था, आज भी मांगा था, जो स्टे था उस पर स्टे मांगा गया था, सिंगल बेंच के दो आदेश पे स्टे मांगा गया था, ऐसे स्टे नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंग टू रूल्स होगा सारा काम। दोस्तों मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आज मेरी बात आपको गलत इसलिए लग रही है कि आपकी बात आपके खिलाफ है, लेकिन कल ये बात सच होगी क्योंकि मैं तथ्य और सत्य की बात रखता हूं। आज भी मैं कह रहा हूं, आप आए दोस्तों मेरे पास आए, इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूं कि किस प्रकार से आप इस भर्ती को क्लियर करवा लोगे, और आप जहां भी भाग रहे हो उस वे को छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर आप मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो सकते हैं, उसकी मुझे, मैं नहीं कह सकता इस मैटर में। नौकरी, कई लोगों को लगता है मैं नौकरी जा सकती, तो फिर आप गलत वे में जाएंगे, तो दोस्तों कुछ नहीं कह सकता मैं इस मैटर। बिल्कुल बिल्कुल कंवर प्रवीण शेखावत जाखल जी, देखो मित्र बद्री गुजर जी रिंगत से हैं आप, बद्री जी इस मैटर में अभी तक कोर्ट का जब तक मैटर क्लियर नहीं होता तब तक भर्ती प्रक्रिया अलग गए, कोई नहीं है, बाहरी राज्य वाले जो है जिन्होंने राजस्थान के थे जो बीएड बाहर से करके आए थे उनकी डिग्रियां, एक नया सर्कुलर जारी हुआ था, आप लोगों को पता है कि जो बाहरी डिग्रियां हैं वो एनटीटी की भर्ती के पश्चात जितनी भी बाहरी डिग्रियां हैं उन लोगों को जांच करने के बाद में नियुक्तियां दी जाएगी, तो आपकी जांचें हो रही है और जांच के पश्चात आपको नियुक्तियां मिलेगी। एडिशनल डिग्री का मामला 2018 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का जो मामला है मैं बोलूंगा दोस्तों, फिर कमेंट करना, आप मुझे बताना कोई बात हो रहे तो। एडिशनल भर्ती जो के युवा साथी है, कई बार फोन आ रहे हैं सर हम तैयारी करें नहीं करें, हमने एडिशनल कर लिया है, हमने उर्दू से की है, हमने हिंदी से की है, क्या हम बाहर हो जाएंगे, क्या और हो रहे हैं, सभी कमेंट्स के जवाब मैं लास्ट में दे दूंगा दोस्तों। एडिशनल तैयारी करे ना करे, बहुत सारे कई लोग कह रहे हैं, देखो दोस्तों आपके खुद का मामला है, आपने खुद के विवेक से एडिशनल की है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एडिशनल सही थी, सही है और सही रहेगी, लेकिन किसी के भरोसे मत बैठे, ये लड़ाई खुद की है, खुद को लड़नी पड़ेगी, आप लोग साथ आएंगे तो मैं मजबूती से आपकी बातों को रखूंगा, मैंने कल भी बोला था आज भी कह रहा हूं, आज केवल पोस्टेड का मैटर नहीं है, अन्य व्यक्ति जो आगे के भविष्य की जो नजीर पेश होगी उसका ही मैटर है। एडिशनल वाले युवा साथी, नीचे नंबर है मुकेश जी के, अनिल जी के, वो टीम काम कर रही है, उनको आप बोले, उनसे बात करें, अब जो पिन किया हुआ नंबर है उनसे बात करें, अपनी बात रखें, आप साथ आए, SLP जो लग रही है सुपर सीनियर एडवोकेट इसके हमारे एडिशनल की तरफ से जो केस लड़ेंगे, लेकिन फिर भी सरकार के भरोसे बैठ के आप अपने करियर पे दाव मत लगाए, मेरा यही कहना है, बाकी आप अपनी स्वेच्छा से, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। एडिशनल पर राकेश जी घर बैठे कुछ नहीं होना है, पीछे भी आप घर बैठे रहे थे, मजबूत केस हार के आए हैं, और जो टीम लीडरशिप कर रहे हैं पहले उन लोगों ने भी लापरवाही बरती थी इस मैटर में, क्योंकि कोर्ट्स के जो मैटर होते हैं उसमें लापरवाही नहीं चाहिए, कोर्ट दलीलों का बुक्का होता है दोस्तों, आप लापरवाही करेंगे सामने वाला दलील देगा और कोर्ट उन चीजों को गौर करेगा।
आगे मैं बात कर रहा था राजस्थान पुलिस भर्ती की। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं दोस्तों, राजस्थान के पुलिस के बाड़मेर का आज युवा साथियों का फोन आया। 10 सीटें थी जनरल की और 10 की 10 सीटें एक सर्विसमैन को दे दी गई। कितनी बड़ी विडंबना होती है कि युवा 2-3 साल से तैयारी करता है, कोचिंगों में जाता है, फिर उनको लगता है कि सीटें आ गई, मुझे तो 1 सीट चाहिए, यहां पे 10 सीटें आ रही है और उन 10 सीटों पे 5 गुना व्यक्ति को ले लिया जाता है, 50 व्यक्ति को सिलेक्शन होता है, उन 50 लोगों में से एक भी बंदा सेलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सारे के साथ वो 150 में से 150 क्वेश्चन सही कर दे फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि विभाग का जो विभाजन है वो गलत है। इस मैटर में दोस्तों हमने फाइल तैयार करा ली है, संभवतः मंगलवार तक ये फाइल पेश कर दी जाएगी, सोमवार या मंगलवार तक। आप लोग साथ जुड़े, इस पेज पे ही लिंक डाला हुआ है, लोगों को भी जोड़े जो राजस्थान पुलिस के जो जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम का हमने चैनल बना दिया है, देखो, और आप सारे केस में ऐड हुए, उम्मीद है आपके जो देखो चूरू के जो 35 लोगों का रिजल्ट निकला वो लोग बाहर हुए। वर्तमान बीएड वाले समय लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चूरू, गंगानगर, बाड़मेर, अभी तो और आएंगे रिजल्ट दोस्तों, बहुत लोग प्रभावित होंगे। फिर आप लोगों को जैसे एक आज रिजल्ट आया था जो आरएसी बटालियन 4 का और बाड़मेर का, कोटा का, ये रिजल्ट रद्द कर दिया गया कोटा का इनका, तो कई प्रकार की बातें हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं, इस मैटर में आप जुड़े, हमारी टीम काम कर रही है, आप लोगों को सारे अवगत करा दिया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018, 6 महीने हुए नहीं, हजारों व्यक्ति नियुक्तियां ले ली, क्योंकि बेरोजगारी है, वरिष्ठ अध्यापक में नियुक्तियां ली, अपग्रेड हुए, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट ग्रेड में नियुक्तियां ले ली। फायदा किसको मिला? फायदा किसी को नहीं मिला। वो व्यक्ति, नमस्कार विष्णु जी पारिक, वो व्यक्ति जो तैयारी कर रहा था, जो योग्य था, वो बच्चे जो टीचर का वेट कर रहे थे, उनको टीचर नहीं मिला। इस संदर्भ में लोग प्रयास कर रहे हैं लेकिन घर पे बैठकर। भगत सिंह बनना चाहता है सभी, लेकिन ये चाहते हैं भगत सिंह का केवल नाम हो हमारा, कि मैं भगत सिंह हूं, लेकिन कार्य पड़ोसी करेगा। भगत सिंह पैदा पड़ोसी के घर में हो या कार्य पड़ोसी करे, भगत सिंह वाला मुझे नहीं करना। 2018 वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के वो युवा साथी, अगर काम करना है तो आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। ये जो आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस आधार पे मैंने सरकार के सामने बात भी रखी थी, लेकिन आपकी बातें तभी प्राथमिकता से होगी जब आप काम करवाने की इच्छा रखेंगे। दो हजार अठारह की त्याग पत्रित है, एलडीसी में है। आगे जो मैं बात कर रहा हूं, दूसरी बात है 2016 की, मैं आपको इसलिए समय ले रहा हूं दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की आप चिंता ना करें, आपको टाइम दिया जाएगा, आपकी वेटिंग भी आएगी और आपका कार्य भी होगा, विश्वास रखें। और जल्दी मैं आप लोगों की टीम के जो हेड है, जिनको हमने टीम के हेड बनाया, उनको सारी चीजें अवगत करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आगे जो बात कर रहा हूं, एलडीसी पंचायती राज 2013 की, दोस्तों बात पते की है, प्रतीक्षा हर व्यक्ति को है, मैं मानता हूं बहुत बड़ी प्रतीक्षा है, लेकिन ये 8 साल से जो आप संघर्ष कर रहे हैं उसकी विजय भी होगी। थोड़ा सा और इंतजार करें, कोशिश हमारी जारी है, अगर लड़ना पड़ेगा तो मैं सबसे पहले आपको तैयार मिलूंगा। लड़ाई लड़के, चाहे हम सैविनय तरीके से अनुलोम विलोम करके सरकार के आगे, सरकार को बना के,
हम इस जंग को जीतने की पूरी कोशिश करें। आप साथ देने के लिए तैयार रहे दोस्तों, बहुत बहुत इस मैटर में आपका साथ चाहिएगा। रीट 20 जून को हो सकती है दोस्तों, मैंने शुरू में बोला है रीट के बारे में, आप वो देख लीजिए जो लेट जुड़े हैं रीट की टाइम के लेके। फर्स्ट लेवल की ज्वाइनिंग के जो युवा साथी जो ज्वाइनिंग का प्रयास कर रहे हैं वो एक बार मिले, ऐसे प्रयास नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आप बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। 14% युवा साथी, कल बोल चुका हूं इस मैटर में, आप लोग इन चीजों को पूरा समझे, पूरी बातों को करें, सूचना सहायक के दोस्त। दोस्तों मैंने पहले भी बात रखी थी, मैं प्रयास करूंगा, कुछ स्टेप टू स्टेप चढ़ रहा हूं और जल्दी आपकी बातों को मैं प्रमुखता से रखूंगा और पहुंचाने की कोशिश करूंगा। समय दोस्तों मेरे पास होता तो मैं कल निकाल देता आपका। 2016 SLP के बारे में मैंने आज भी मैसेज डाला है, मंत्री जी से वापिस भी टाइम ले रहा हूं और जब भी मैं इस मैटर में मिलूंगा आपकी बात प्रमुखता से बार बार रख रहा हूं, आगे भी रखूंगा, कार्य होगा। मंत्री जी ने एक बात कही थी मुझे, वो बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने ये कहा, व्यक्तिगत तौर पे मैं प्रभावित हूं, मैं समय प्रभावित हूं, मतलब व्यक्तिगत तौर पे समय प्रभावित हूं। 2016 की भर्ती तो मंत्री जी ने कहा तुम्हारी नेतागिरी खत्म करवाएंगे, जल्दी आप चिंता ना करो कि तू बहुत ज्यादा करता है, तेरी नेतागिरी खत्म करते हैं। तो ये मैटर इस चीज का बहुत कुछ रखता है और भर्ती कंप्लीट होगी दोस्तों, चिंता ना करें। समय मेरे पास, मैंने पहले बोला है, एडिशनल को लेके बोल चुका हूं दोस्त, आगे आपके कोई कमेंट्स है तो रखे दोस्तों। लेवल फर्स्ट की बीएड वाली तैयारी करें, निश्चिंत होकर तैयारी करें, चिंता ना करें, आपके लिए भी एक सुपर सीनियर की व्यवस्था कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। एडिशनल वाले दोस्त जो आउट करने की कई डिमांड कर रहे हैं तो आप एक बार व्यक्तिगत तौर पर मिले, इस मैटर को समझे, आप आउट एडिशनल आउट नहीं होंगे दोस्तों। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, आपको लगता है कि कुछ मार्क्स टूट जाएंगे और टूट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर चीज के लिए अच्छी लीडरशिप, अच्छी अच्छे वकील की जरूरत होती है और उसी के आधार पे हम कार्य कर रहे हैं और सफल होंगे। 2016 साइंस मैथ उसके साथ ही है, इंग्लिश और साइंस मैथ का पोस्टेड हटाने की मेरी पूरी कोशिश है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। TGT 2012 के युवा साथी मिले एक बार, SLP आपकी भी जो मैटर है मैं रखूंगा, आप लोग समय निकाल के मिले एक बार और इस मैटर को पूरी फाइल लेके आए, आप अपना पूरा मैटर को लेके आए, पूरा समझाए और किस प्रकार से कौन लीड कर रहा है इस मैटर को, मैं लेके पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा।